बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? आज हम बना रहे हैं पीच कस्टर्ड। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताती हूँ आपको जी। इसके लिए आपको 1/2 kg दूध चाहिए, 3 चम्मच आपको कॉर्नफ्लोर चाहिए, 3 चम्मच आपको चीनी चाहिए, 2 पीचेस चाहिए और थोड़ी सी वनीला शुगर चाहिए जी। पीचेस को आप काट लें। जी पीचेस को मैंने काट लिया है और अब मैं इसमें 2 कप दूध डालूंगी। जी 2 कप दूध डालने के बाद मैं इसमें 3 चम्मच चीनी डालूंगी, 1, 2 और ये 3, और 3 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी, 1, 2 और ये 3 जी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसमें 1 पूरा पैकेट वनीला शुगर का डाल दूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है जी। पैन को थोड़ा सा गर्म कर लें और इसमें जो ब्लेंड किया हुआ आपने पीच को और दूध को जो ब्लेंड किया है वो इसमें मिक्सचर डाल दें। जी हल्की आंच पर जब तक ये मिक्सचर जो है गाढ़ा नहीं हो जाता पका लें, बिल्कुल कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाना चाहिए जी। 6-7 मिनट तक मैंने इसको पकाया है तो देखिए ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसको हल्का सा गाढ़ा और करेंगे और फिर उसको प्लेस करेंगे जी। अब हम इसको स्वीट बॉल में डाल देंगे, देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसको हम डालकर थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा जो है ना सेटल हो जाए जी। अब कस्टर्ड को गार्निश करने के लिए हम इसका एक सिरप बनाएंगे पीचेस का। इनको बारीक बारीक काट लें। पैन में थोड़ा सा आप मक्खन डाल लें और 2 चम्मच चीनी डाल लें। अब इसमें ये पीचेस डाल दें। अब इसमें थोड़ी सी वनीला शुगर ऐड करते हैं। अब ये सेटल हो गया तो अब इसके ऊपर ये सिरप प्लेस कर दें।